भारत के पूर्व विदेश मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल रमेश पाठक सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के जीवन पर प्रकाश डाला और भाजपा नेता के कार्यों को याद कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा की। उन्होंने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पिछले वर्ष ही 67 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अपने निधन के चंद घंटे पहले सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के लिए ट्वीट कर मोदी सरकार की सराहना की थी। वहीं महामंत्री धर्मेंद्र राजावत ने कहा कि सुषमा स्वराज ने आजीवन जनसेवा राष्ट्रोत्थान को लेकर काम किया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक मनोज अनंत, मंडल अध्यक्ष टीपू भदौरे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा में मतभेद से वो सांसद रही, मतभेद से वो जुड़ा होने के नाते हम सब लोगों को लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय रही। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित होकर के सुषमा स्वराज जी के विचारों को आदान प्रदान किया और उनके विचारों को हम सब लोगों ने हृदयंगम किया। सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि करके उनकी पुण्यतिथि को मनाया। सुषमा स्वराज जी अमर रहे।